दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी गई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के टेटोकी स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि मूवी का बजट मात्र पच्चीस करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड का कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरुजा सरी सिंह और सोनाली सेकाल, इसी तरह राज शर्मा आलोकनाथ नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सक्सेना दीपिका अमीन राजेश सत्ता लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो YouTube पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इससे Amazon Prime Video भी छा के देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर यह फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन-ऑफिशियल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग है आने वाले समय में इस मूवी कोई को यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज खुद YouTube पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की चीज आएँ तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने की नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है सोटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब पड़ने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारों लड़की हैं व्यवसायों को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर टू दिखाए क्या स्यूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे हर कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आधे दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छ्योटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या पाना चाहती हैं इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि अमरीश की कहानी का इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप ट्वेटर से या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आती है आप इसे टीवी पर देख सकते हैं वो भी प्रेमी खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हो है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटीएल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के टिडोकी स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आम को हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि हर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड वफ्त का कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सरी सिंह और सोनाल सेकाल, इसता राज शर्मा आलोक नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सत्सेना दीपिका अमिन राजेश जीस, लिंग गुप्ता पवन चौब्रा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इससे अमेजन प्राइम वीडियो भी जाकर देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन ऑपोशल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस लिंगवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज खुद उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर, अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी तो चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब पड़ने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब स्वेटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारों लड़की हैं वो वह को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर दिखाए क्या स्यूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे रह कर भी उसे बताती है, है।, है क्यों बदमाश है जबकि आधे दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छ्योटी अदी अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बास्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग की और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर कर यहाँ तक पहुँचे हैं आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती है नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बना गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आती है आप इसे टीवी पर देख सकते हैं वो भी प्रेम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊँगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो टिटीएल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के टिडो की स्विटी दो हज़ार अठारह में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आम को हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी। मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आदमी जर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आईएमडीबी एम रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आईएमडीबी एम डी बी है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि हर सौ में से सत्तर लोगों की ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड लीडिकाफ कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरुजा सनी सिंह और सोनालिन शर्मा, राजर्मा आलोकनाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सक्सेना दीपिका अमिन राजेश सत्तालिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे Amazon प्राइम वीडियो पे के देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे Amazon प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस लिंगवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज़ उसे वीडियो पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टीटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब पड़ने लगता है टीवे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टीटू के परिवार के हर सब का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सूटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चालू लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ उतर दिखाए क्या सूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि सूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे हर करीबी उसे बताती है कि वो बदमाश से जबकि आधी के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार विक्यो अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके कर क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉकबास्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी का इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस्टे व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती है या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको अवश्य बता दूँगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी ब अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं मूवी प्रेमी खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होगी तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के टिडो की 2018 दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ़ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला कर रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी। मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सी यहाँ पर शामिल नहीं है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई एम रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड उफ्ट का कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सरी सिंह और सोना सेकाल, इसी तरह राज शर्मा आलोक नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरिंद्र सक्सेना दीपिका अमिन राजेश सत्ता सत्तालिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं YouTube पर तो ये फ़िल्म वैसे तो YouTube पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पे छा कर देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑपल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज खुद उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस वी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर आप इसे तय चुके हो तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी तो चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार तो हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी हैं वे सोटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टीटू के परिवार के हर सब का दिल सोटी जीत लेती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सोटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ कर दिखाए क्या सोटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे रह कर भी उसे बताती है कि वो बदमाश है जबकि आधे दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छूटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कहानी के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए ये आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब तो पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी ब अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते वो भी प्रेमी खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हो गई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के टिडो की स्वीटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला कर रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली है के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड का उफ्ट कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरूजा सनी सिंह और सोनाल सेकाल इसी तरह राजर्मा आलोक नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सक्सेना दीपिका अमिन राजेश जीस, सत्तालिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेजन प्राइम वीडियो बीछ आ देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर यह फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन ऑपर तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस यूवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज़ खुद उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस यूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी की गारे भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस सुविधा से सोनू को उस पर सब होने लगता है टीवे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टीटू के परिवार के हर सब का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब स्वेटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं व्यवसानों को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ उतर दिखाए क्या स्यूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे हर कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आधे दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छ्योटी अदी अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुपटी से शादी क्या कर करके क्या बनना चाहती हैं इसलिए श्यूटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कम्यू के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बास्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि तो यहाँ पर इसकी कहानी कहा इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इससे व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर कर यहाँ तक पहुँचे हैं अगर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती है या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रीमियम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटीएल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के टिडो की दो हज़ार अठारह में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आम को हिला रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी कर रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आदमी अंदर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आईएमडीबी एम रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि हर सौ में से सत्तर लोगों की ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड का उफ्त कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरूजा सनी सिंह और सोनालिन सेकाल इसी तरह राज शर्मा आलोकनाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सत्सेना दीपिका अमीन राजेश जीस, लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेज़न प्राइम वीडियो बिछा के देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस मूवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर टी सीरीज खुद उसे वीडियो पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टीटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो खोब होता है और वह अब अरेन्ज मरीज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनम को उस पर सब पड़ने लगता है टीवे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टीटू के परिवार के हर सबका दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सोटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चालू लड़की हैं वह सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ उतर दिखाए क्या सूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि सोटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे और करीबी उसे बताती है कि वो बदमाश से जबकि आधी के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार विक्यो अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी का इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों कही ने कहीं ना कहीं इस्टे व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती है या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको अवश्य बता दूँगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं ये वो भी प्रेम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होगी तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के टिडो की स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सी यहाँ पर शामिल नहीं है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मास्टर 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई एम के बारे में, बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड कफ्ट कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सरी सिंह और सोना नेंद सेकाल इसता राज शर्मा आलोकनाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरिंद्र सत्सेना दीपिका अमीन राजेश सत्ता सत्तालिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं YouTube पर तो ये फ़िल्म वैसे तो YouTube पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पे आ देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑपल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फ़िलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस सींगी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज खुद उसे उस पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर आप इसे तय कर चुके हो तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी तो चर्चा की चीज आए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब होने लगता है टीवे बना उठी हैं वे सोटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टीटू के परिवार के हर सब का दिल सोटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर दिखाए क्या सोटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे रह कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आधे के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है स्योटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छुट्टी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए ये आपको मूवी पसंद आती है या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब तो पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं मूवी प्रेम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हो गई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सॉन के टेडोकी स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला कर रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सील यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई है वहां पर इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड का वफ्त कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरूजा सनी सिंह और सोनाल सेकाल, इसी तरह राज शर्मा आलोकनाथ नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सत्सेना दीपिका अमिन राजेश सत्ता लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेजन प्राइम वीडियो बीच आ देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन ऑपर तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस यूवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज खुद उसे व्यूट पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाड़ी भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके हो तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है सोटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस सुविधा से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब स्वेटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं वे को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ उतर दिखाए क्या स्यूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे हर कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आधे के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है स्योटी अदी अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या करके कर क्या बनाना चाहती हैं इसलिए स्योटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेमी खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो टीटीएल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के टिडो की दो हज़ार अठारह में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आम को हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी कर रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी। मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सी यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आदमी जब मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आईएमडीबी एम रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि हर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड का कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सरी सिंह और सोनालिन सेकाल इसी तरह राज शर्मा आलोकनाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सक्सेना दीपिका अमीन राजेश सत्ता लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे Amazon प्राइम वीडियो पे के देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे Amazon प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑपोशल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस लिंगवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज उसे वीडियो पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की चीज आएँ तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टीटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टीटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस उविधा से सोनम को उस पर सब होने लगता है टीवी बनावी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर मर मात खा जाता है टीटू के परिवार के हर सबका दिल स्वेटी जीत लेती जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है तब स्वीटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चालू लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ दिखाएं दिखाए क्या स्वीटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे और करीबी उसे बताती है कि वो बदमाश से जबकि आधी के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वे टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉकबास्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग की और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस्टे व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होगी तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के टिडो की स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला कर रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी। मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सी यहाँ पर शामिल नहीं है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में, बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड कफ्ट कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सरी सिंह और सोना नेंद सेकाल तरह राज शर्मा आलोकनाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरिंद्र सत्सेना दीपिका अमिन राजेश सत्ता लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं YouTube पर तो ये फ़िल्म वैसे तो YouTube पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर के देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑपल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस लिंगवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज खुद उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर आप इसे तय चुके हो तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी तो चर्चा की चीज आए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी हैं वे सोटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टीटू के परिवार के हर सब का दिल सोटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सोटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ कर दिखाए क्या सोटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्योटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे रह कर भी उसे बताती है कि वो बदमाश है जबकि आधी के दिन में ये चतरिंग प्रोशिश की जाती है कि वो अच्छी लड़की है स्योटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छुट्टी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बास्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर को तो रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए ये आपको मूवी पसंद आती है नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टीवी पर देख सकते वो भी प्रेमी खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हो गई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के टिडोकी स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला कर रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आईएमडीबी एम रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से 70 लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड का उफ्ट कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सरी सिंह और सोनाल सेकाल, इसी तरह राज शर्मा आलोकनाथ नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरिंद्र सक्सेना दीपिका अमिन राजेश सत्ता लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेजन प्राइम वीडियो बीच आ देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन ऑपर तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस यूवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर सीरीज खुद उसे पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके हो तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है सोटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सब का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब स्वेटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारों लड़की हैं वो को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ ढूपर दिखाए क्या स्वीटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्वीटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे हर कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आदि दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है स्योटी अभी अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या करके कर क्या बनाना चाहती हैं इसलिए स्योटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए ये आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटीएल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के टिडो की दो हज़ार अठारह में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आम को हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी। मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे जगह मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि हर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड लीड़िका कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरुजा सरी सिंह और सोनानीन सेकाल तरह राज शर्मा आलोकनाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सक्सेना दीपिका अमीन राजेश सत्तालिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे Amazon प्राइम वीडियो पे के देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे Amazon प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस भी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज़ खुद उसे वीडियो पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार तो हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस विधायक से सोनू को उस पर सब पड़ने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सबका दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है तब स्वीटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारों लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर कर दिखाए क्या स्वीटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे और करीबी उसे बताती है कि वो बदमाश से जबकि आधी के दिन में ये चटरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे की आखिर क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनाना चाहती है इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक नहीं यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग की और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस्टे व्हाट्सअप ट्रेडर्स या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी ब अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेमी खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडिक मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई भी है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होगी तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के टिडो की स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी। मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सी यहाँ पर शामिल नहीं है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मास्टर 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई एम डी बी के बारे में, बारे में बात करें तो जो आई एम डी बी है वहाँ पर इस मूवी को में से सात पॉइंट एक की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि हर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड कफ्ट कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सरी सिंह और सोनाल सेकाल तरह राज शर्मा आलोक नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर साक्षी मलिक मधुमती कपूर वरेंद्र सत्सेना दीपिका अमिन राजेश सत्ता लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं YouTube पर तो ये फिल्म वैसे तो YouTube पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पे आ देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑफिशियल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इसवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज़ खुद उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस वी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर आप इसे तय कर चुके हो तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी तो चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस सुविधा से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी हैं वे सोटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सब का दिल सोटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सोटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ उतर दिखाए क्या सोटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्योटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे रह कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आधे के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है स्योटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छुट्टी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर को रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए ये आपको मूवी पसंद आती है या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं मूवी प्रेमी खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हो गई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सॉन्ग के टेडोकी स्वीटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सील यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई है वहां पर इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड उफ्ट का कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सनी सिंह और सोनाल सेकाल इसी तरह राज शर्मा आलोकनाथ नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरिंद्र सत्सेना दीपिका अमिन राजेश जीस, लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेजन प्राइम वीडियो बीच आ देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस यूवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज खुद उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन है और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है सोटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सब का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब स्वेटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं वे को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर दिखाए क्या स्यूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे हर कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आधे के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वे टुटी से शादी क्या करके कर क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हो है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटीएल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के टिडो की स्वीटी दो हज़ार अठारह में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आम को हिला कर रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी। मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आईएमडीबी एम रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि हर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड लीड़िका कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरुजा सरी सिंह और सोनानीन इसी तरह राज शर्मा आलोक नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सक्सेना दीपिका अमीन राजेश सतालिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे Amazon प्राइम वीडियो पे के देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे Amazon प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन ऑफिशियल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस लिंगवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज़ खुद उसे वीडियो पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब पड़ने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सबका दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सोटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारों लड़की हैं वह सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर दिखाए क्या स्यूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे और करीबी उसे बताती है कि वो बदमाश से जबकि आधी के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वे टुपटी से शादी क्या करके कर कर क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बास्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग की और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस्टे व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती है या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडिक मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के टिटो की स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमेक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सील यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बुरी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड लीड़का कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सरी सिंह और सोनाल निन सेकाल ईशिता राज शर्मा आलोकनाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरिंद्र सक्सेना दीपिका अमिन राजेश सत्ता लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं YouTube पर तो ये फिल्म वैसे तो YouTube पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पे छा कर देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑफिशियल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस सीवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर टी सीरीज को उसे वीडियो पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी तो चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन है और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार तो हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस सुविधा से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी हैं वे सोटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सब का दिल स्वटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सोटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ उतर दिखाए क्या सोटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि छोटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे रह कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आदि दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या अपना चाहती हैं इसलिए छूटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए ये आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेमी खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हों क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के की स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला कर रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली है के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि मूवी का बजट मात्र पच्चीस करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर 100 में से 70 लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड का उफ्ट कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सनी सिंह और सोनाल सेकाल इसी तरह राज शर्मा आलोकनाथ नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सत्सेना दीपिका अमिन राजेश जीस, लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेजन प्राइम वीडियो बीच आ देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर यह फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑप तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस ये कोई को यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज खुद उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है सोटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस सुविधा से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सब का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब स्वेटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारों लड़की हैं वे को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर ट्र दिखाए क्या स्वीटी सच में अच्छी लड़की या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्वीटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे हर कर भी उसे बताती है वो बदमाश है जबकि आधे के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वे टुटी से शादी क्या करके कर क्या पाना चाहती हैं इसलिए स्योटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर कर यहाँ तक पहुँचे हैं आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती है या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेमी ख़ैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को जिंदगी में देखना चाहते होगी तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटीएल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के टिडो की स्विटी दो हज़ार अठारह में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आम को हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी। मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आपने मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आईएमडीबी एम रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि हर सौ में से सत्तर लोगों की ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड लीड़िका कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरुजा सरी सिंह और सोनालिन सेकाल तरह राज शर्मा आलोकनाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सक्सेना दीपिका अमीन राजेश सत्तालिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे Amazon प्राइम वीडियो पे के देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे Amazon प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑपोशल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस लैंग्वी कोई को यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज़ खुद उसे वीडियो पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है या अगर आप इसे देख चुके होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे फिर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस उधर से सोनू को उस पर सब पड़ने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सबका दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सोटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारों लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर दिखाए क्या सूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे और करीबी उसे बताती है कि वो बदमाश है जबकि आधी के दिन में ये चटरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनाना चाहती है इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक नहीं यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ बड़ा इंटरेस्टिंग की और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस्टे व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई तो रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने सब बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडिक मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होगी तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के टिडो की स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमेक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आम को हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते है। हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सी यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बुरी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड लीड़का कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरूजा सरी सिंह और सोना नेंद सेकाल ऋषिता राज शर्मा आलोक नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरिंद्र सक्सेना दीपिका अमिन राजेश सत्ता लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं YouTube पर तो ये फिल्म वैसे तो YouTube पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पे छा देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑफिशियल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस कोई को यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज़ खुद उसे वीडियो पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस भी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आज इधर मूवी के बारे में थोड़ी तो चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन है और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी हैं वे सोटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सब का दिल स्वटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सोटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ उतर दिखाए क्या सोटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे रह कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आधे के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है स्योटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर को रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए ये आपको मूवी पसंद आती है नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इस इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हो है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के टिडोकी स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला कर रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र पच्चीस करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर 100 में से 70 लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड उफ्त का कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरुजा सरी सिंह और सोनाल सेकाल इसी तह शर्मा आलोकनाथ नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सक्सेना दीपिका अमीन राजेश सत्ता लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेज़न प्राइम वीडियो भी छा देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑप तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस मूवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर टी सीरीज खुद YouTube पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेज मरेज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के दुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वह से सोनू को उस पर सब पड़ने लगता है टीवे बनावटी हैं वे स्वेटी है। को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब स्वेटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं वह को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर दिखाए क्या स्वीटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्वीटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे हर कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आदि दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या कर करके क्या बनना चाहती हैं इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि अमरीश की कहानी का इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आती है आप इसे टीवी पर देख सकते हैं वो भी प्रेमी खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊँगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होगी तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटीएल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के टिडो की स्विटी दो हज़ार अठारह में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आम को हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी। मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आईएमडीबी एम रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि हर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड लीड़िका कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरुजा सनी सिंह और सोनाली सेकाल तरह राज शर्मा आलोक नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सक्सेना दीपिका अमीन राजेश सतालिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे Amazon प्राइम वीडियो भी छा कर देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे Amazon प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अन ऑफिशियल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस लिंगवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज़ खुद उसे वीडियो पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो खोबया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इसवधा से सोन को उस पर सब होने लगता है कि वे बनाती हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सबका दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सोटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चालू लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर दिखाए क्या स्यूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे और करीबी उसे बताती है कि वो बदमाश है जबकि आधी के दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छोटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या करके कर क्या बनाना चाहती है इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कहानियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बास्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस्ट व्हाट्सअप टेडर्स या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेमी खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होगी तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोनू के टिडो की स्वीटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमेक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सी यहाँ पर शामिल नहीं है पर आ, आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बुरी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात पॉइंट एक की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड लीड़का कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत वरुजा सरी सिंह और सोना निन सेकाल ईशिता राज शर्मा आलोकनाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरिंद्र सत्सेना दीपिका अमिन राजेश सत्ता लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं YouTube पर तो ये फिल्म वैसे तो YouTube पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पे आ कर देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑफिशियल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग है आने वाले समय में इस को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज़ को उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है यार अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी तो चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन है और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेंज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी है वे सोटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर सब का दिल स्वटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब सोटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारू लड़की हैं वे सोनू को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़ उतर दिखाए क्या सोटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्योटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे रह कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आदि दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है स्योटी यदि अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या करके क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छोटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों कही ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप ट्रेटर्स या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं खैर आप इस मूवी को देखिए ये आपको मूवी पसंद आती है नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर यह मूवी आती है आप इसे टी पर देख सकते हैं वो भी प्रेम खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी को उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के टिडोकी स्विटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आपको हिला कर रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब सी यहाँ पर शामिल नहीं है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि मूवी का बजट मात्र पच्चीस करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर सौ में से 70 लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड का उफ्ट कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरुजा सरी सिंह और सोनाली सेकाल इसी तरह राज शर्मा आलोक नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरेंद्र सक्सेना दीपिका अमिन राजेश सत्ता सत्तालिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेज़न प्राइम वीडियो भी छा देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर यह फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनऑपोशल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस लिंगवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज खुद उसे उस पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस लिवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके हो तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह अब अरेंज मरेज के लिए तैयार हो जाता है स्वेटी आने के दुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है सोएटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस वजह से सोनू को उस पर सब पड़ने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टिटू के परिवार के हर का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह ये स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब स्वेटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारों लड़की हैं वो को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर दिखाए क्या स्वीटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्वीटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे हर कर भी उसे बताती है क्यों बदमाश है जबकि आदि दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छ्योटी अभी अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वे टुटी से शादी क्या करके कर क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छ्योटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं अगर आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती या नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएंगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आती है आप इसे टीवी पर देख सकते हैं ये वो भी प्रेमी में खैर मूवी काफ़ी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्ती और प्यार पर तो बहुत सारी कमाल की फिल्में बनी हुई है पर आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की मूवी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस भी है और मुझे पता है आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते होंगे तो आप सही जगह पर आ चुके हो क्योंकि हम इस वीडियो में इस मूवी के बारे में जो है वो डिटीएल में चर्चा करने वाले हैं और अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी उपलब्ध है इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा मुझे दोस्तों यकीन है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों मूवी का नाम है सोन के स्वीटी दो में इसे रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में आई थी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस मूवी का रीमेक भी आ सकता है इस मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है ऐसा यहाँ पर नुसरत जी का कहना था पर क्लाइमैक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है जो आम को हिला के रख सकता है दरअसल मूवी कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है दो घंटे अठारह मिनट की ये मूवी बन रही थी जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी। मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं फैमिली के साथ इतनी कोई ख़राब से यहाँ पर शामिल नहीं है पर हाँ आप इसे बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कुछ गाने आएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहे थे आगे अगर मूवी के बारे में और बड़ी चर्चा करें तो मूवी की रेटिंग काफ़ी अच्छी आई थी और ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भी रही थी क्योंकि तो मूवी का बजट मात्र 25 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का लगभग डेढ़ सौ करोड़ का रहा था अगर हम आई रेटिंग के बारे में बात करें तो जो आई एम डी बी है वहाँ पर इस मूवी को दस में से सात की रेटिंग मिली है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है मतलब आप सोच सकते हैं कि हर सौ में से सत्तर लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी इस मूवी की लीड़का कार्तिक आर्यन है पर इन्हीं के साथ साथ आपको नुरसत भरूजा सरी सिंह और सोनाल सेकाल तरह राज शर्मा आलोक नाथ ऐसा राजा निगम ठाकुर, साक्षी मलिक मधुमति कपूर वरिंद्र सक्सेना दीपिका अमिन राजेश जीस, लिंग गुप्ता पवन चौबरा ऐसे आपको बहुत सारे किरदार और भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस मूवी में किया हुआ है इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये फिल्म वैसे तो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है आप लोग इसे अमेजन प्राइम वीडियो भी जाकर देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये फिल्म काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदी में अवेलेबल है आप इसे अमेजन प्राइम से देख सकते हैं और यूट्यूब पर ये मूवी आपको अनुसल तरीके से देखने को मिल सकती है पर फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है हाँ ये बात अलग से आने वाले समय में इस यूवी को कोई यूट्यूब पर डालता है या फिर डी सीरीज खुद उसे उस पर अपलोड कर देता है तो आपको मूवी देखने को मिल सकती है मूवी दोस्तों काफ़ी सही है इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी के गाने भी काफ़ी बढ़िया हैं यहाँ पर जो है वो है सभी गाने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और मूवी के दोस्तों कहानी भी कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो लगी है खैर अगर आप इसे देख चुके होगे तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है आगे अगर मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो यहाँ पर सोनू कार्तिक आर्यन हैं और टिटू सनी सिंह हैं और बेहद ही अच्छे दोस्त होते हैं टिटू का कहीं लड़के उसे ब्रेकअप हो गया होता है और वह मरीज मरीज के लिए तैयार तो हो जाता है स्वेटी आने के नुसरत भरोसा से उनकी शादी तय हो जाती है स्वेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और इस सुविधा से सोनू को उस पर सब होने लगता है कि वे बनावटी हैं वे स्वेटी को गलत साबित करने की तमाम कोशिश करता है लेकिन हर बार मात खा जाता है टीटू के परिवार के हर सब का दिल स्वेटी जीत लेती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सोटी अच्छी लड़की है तब स्वेटी खुद सोनू को बता देती है कि वे चारों लड़की हैं वह सोनो को चैलेंज कर देती है कि अब रिश्ता तोड़कर दिखाए क्या स्यूटी सच में अच्छी लड़की है या फिर वो सच कह रही है क्या सोनू ये कर पाएगा इसके जवाब के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा कहानी में कुछ बात अटकती है यदि स्यूटी बदमाश है तो सोनू को उस पर शक है और वो क्यों आगे रह कर भी उसे बताती है, है। कि क्यों बदमाश है जबकि आदि दिन में ये चतरिंग प्रोसेस की जाती है कि वो अच्छी लड़की है छ्योटी अभी अच्छी लड़की नहीं है तो ये दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार वे क्यों अच्छी लड़की नहीं है वह टुटी से शादी क्या करके कर क्या बनाना चाहती हैं इसलिए छ्योटी से इतना नफरत नहीं है जितनी कहानी की डिमांड थी कमियों के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉक बाउस्टर रही यही एक सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके व्हाट्सअप स्टेटस या फिर कोई रील्स देखी होगी हो सकता है आप वही देखकर कर यहाँ तक पहुँचे हैं आप इस मूवी को देखिए कि आपको मूवी पसंद आती है नहीं आप मुझे बताइएगा फिलहाल तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है पर आने वाले टाइम में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा मुझे मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था काफ़ी सही मूवी है बोर नहीं कराती है इसी इस तरह से बनाया गया है कि मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं कराएंगी तो अगर आप इसे टी पर देखना चाहते हैं तो स्टार गोल्ड पर ये मूवी आती है आप इसे टीवी पर देख सकते हैं वो भी प्रेम खैर और मूवी काफी अच्छी लग सकती है अगर आप लोग रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखते हैं तो आप इसे जरूर देखिएगा